नमस्कार, तरगुलाम खबर में आप सभी का स्वागत है। अगर पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं सबसे बड़ी खबर। पूर्व विधायक पवन पांडे ने भगवान परशुराम जयंती पर विप बंधुओं से की अपील। कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए ब्राह्मण बंधुओं से पूर्व विधायक पवन पांडे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना ने अपील किया कि आने वाली 26 तारीख को विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती अपने घरों में मनाने की अपील की। पूर्व विधायक पवन पांडे ने कहा कि हम लाइव पहली बार हो रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। तमाम जो वैश्विक महामारी है उसके संदर्भ में हम अपना उत्सव कैसे मनाएं, आपसे पहली बार लाइव हो रहा हो। सभी को प्रणाम करते हुए अपने इष्ट भगवान परशुराम के चरणों में नमन करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आने वाली 26 तारीख को आपके इष्ट विष्णु के छठे अवतार, श्री हरि के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती है और हम सभी एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसमें जो प्रत्येक वर्ष हम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में अपने उस इष्ट अजर अमर जो मौकी अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं भगवान परशुराम को याद करते हैं, उनके जन्मोत्सव को एक महापर्व के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष इस वैश्विक महामारी की वजह से हम उस पर्व को अपने घरों में ही मनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यह वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है जो मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इसी में यह अक्षय तृतीया जो आपके शुक्ल पक्ष के तृतीया में पड़ती है, बैसाख की तृतीया में पड़ती है, हम अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं और इस दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व है। तमाम प्रांतों में तमाम तरीके से मनाया जाता है, बंगाल में और मद्रास में, तमाम और जगहों पर इसे लोग केरला में सोना खरीद कर एक शुभ दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पर कोई भी मुहूर्त देखने का कोई आवश्यकता नहीं होती। हिंदू रीति रिवाजों में कोई भी कार्य जो अक्षय तृतीया पर होता है उसका कभी नाश नहीं होता है, वह संस्कारों से युक्त तो हमेशा शुभ होता है और यही कारण है कि लोग सालों साल अक्षय तृतीया का इंतज़ार करके अपने सभी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन इस बीमारी की वजह से हम सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे इष्ट भगवान परशुराम जिन्होंने तमाम दुष्टों का संहार किया वही हमें इस महामारी से भी मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि वह विष्णु के श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भी हैं और भगवान भोलेनाथ के कृपा पात्र भी हैं। उनमें वो ताकत है कि अगर उनकी कृपा हो जाए तो ये वायरस क्या तमाम राक्षसी असुरी जातियाँ जो किसी भी रूप में पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में मौजूद हों उनको वो समाप्त कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस जयंती, इस जन्मोत्सव को महापर्व के रूप में अपने घरों में मनाएं और उस दिन घी का दीपक जलाकर, चूंकि उदया तिथि आपको 26 तारीख को मिल रही है, अक्षय तृतीया तो 25 को लग जाएगी, लेकिन उसको आप 26 को मनाएं और शाम को घी का दीपक जलाकर अपने घरों में पूजा अर्चना प्रार्थना निवेदन करें, साधना करें और यह मांग करें कि हे ईश्वर, हे महाप्रभु, हे महर्षि परशुराम जी, आप हमें इस महामारी से पूरे मानव जात को मुक्ति दिलाएं और हमारा भारतवर्ष एक बहुत ही विश्वगुरु के रूप में आगे पहचाना जाए। चूंकि हम जानते हैं यह वायरस इतना आसान नहीं है, जितना आसान इसको समझा जा रहा है उतना आसान नहीं है, लेकिन इससे पहले भी तमाम महामारियां आईं, प्लेग आया, तावन पड़ा, हम लोग तो सुने हैं देखे नहीं हैं, लेकिन उस समय भी हमारा यह क्षेत्र अवध का क्षेत्र उस तावन से भी बचा था, लोग ऐसा बुजुर्ग बताते रहे। वह हैया की बीमारी जो चली थी उससे भी
हमारा अवध अछूता रहा और आज ये बड़े प्रसन्नता की भी बात है कि हमारा अयोध्या फैजाबाद जिसे कहते थे, आपका अगल बगल सुल्तानपुर, इस एरिया में जो 24 कोस की परिक्रमा होती है उसमें कोई कोरोना का बीमार अभी तक नहीं मिला है, इस वायरस का कोई बीमार नहीं मिला है, यह जरूर हमारा यह क्षेत्र है। और इसी तरीके से इसी पवित्र धारा की तरह पूरे पृथ्वी से भगवान परशुराम इस वायरस का नाश करें, सभी की रक्षा करें, सुख समृद्धि दें, क्योंकि आने वाला समय आर्थिक रूप से बहुत ही विकट समय है, इसमें बहुत भुखमरी बहुत बेरोजगारी बढ़ेगी। और हमारा किसान, हम खुश हैं कि हमारा देश किसानों का देश है और इसमें लगभग 85% लोग गांव में किसानी करते हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो शहरों में जाकर रहते हैं, 12% लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, सिर्फ 7-8% लोग शहरों में हैं जिनका गांव से कोई जुड़ाव नहीं है। इसलिए इस महामारी का असर हमारे देश में नहीं हो पाएगा, कम सुख सुविधा के बाद भी हम इस महामारी से निपट लेंगे। हमारा एक निवेदन और है कि भगवान परशुराम की जयंती पर पहले सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने परशुराम जयंती की छुट्टी की थी और यह ऐसा पर्व है जो पूरे देश में मनाया जाता है, तो भारतवर्ष की सरकार से मेरी मांग है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार, समाजवादी की सरकार ने छुट्टी किया था, अब वह छुट्टी रद्द हो गई है, उसे माननीय मोदी जी पूरे भारतवर्ष में यह घोषणा करें कि परशुराम जयंती की छुट्टी पूरे देश में मनाई जाएगी, क्योंकि यही एक जन्मोत्सव जयंती है जिस पर पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में। इसी तरह सबसे तेज न्यूज पाने के लिए सर्विलांस खबर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।